वेलकम अगेन, यू वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज मंजू मलिक। आज मैं लेकर आई हूँ एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच स्प्राउट्स की रेसिपी। एज अ डाइटिशियन मैं स्प्राउट्स हाईली रिकमेंड करती हूँ इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर वेट लॉस। ना सिर्फ ये भरपूर होते हैं प्रोटीन में, फाइबर में और बाकी मिनरल्स एंड विटामिन्स में, लेकिन स्प्राउट्स करने के बाद जो पल्सेस होती हैं वो, या ग्रेन्स को भी आप स्प्राउट कर सकते हैं, उनकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, आपके स्टमक पे इजी होते हैं और आपके जो सारे फायदे होते हैं वो आप उनसे उठा सकते हैं। हमारी जो पहली स्प्राउट्स की रेसिपी है वो है ओट्स एंड स्प्राउट्स उपमा। ये आप ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक पैन में एक चम्मच ऑलिव ऑयल हमने लिया है, उसमें हमने प्याज डाले हैं, एक ही छोटा कटा हुआ प्याज है, उन्हें सौते कर लेंगे थोड़ा सा और फिर थोड़े थोड़े जब ये ब्राउन हो जाएंगे हम इनमें ऐड करेंगे एक चॉप्ड टमेटो। इन्हें भी हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। पैन को लगातार चलाते रहिए, मीडियम से हाई हीट के बीच में आप पका सकते हैं। हमने इसमें नमक स्वाद के अनुसार, मिक्स स्पाइस, हल्दी और मिर्ची पाउडर अगेन स्वाद के अनुसार डाला है। आधा कप हमने इसमें मूंग दाल स्प्राउट्स और चना स्प्राउट्स डाला है और हम इसे थोड़ा ही पकाएंगे, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि स्प्राउट्स जैसे मैंने कहा ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं। हमने एक कप पानी डाल दिया है इसके अंदर और इसमें उफान आने तक या एक बॉईल आने तक हम इसे पकाएंगे। बॉईल आने के बाद इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून क्विक ओट्स या इंस्टेंट ओट जिसे कहते हैं वो डालेंगे। आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं, आजकल इंडिया में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। कोशिश करें ऑर्गेनिक लाएँ, लेकिन अगर ऑर्गेनिक नहीं मिलता है तो आप ये नॉर्मल भी किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकेगा सारा वाटर जो है ये सोक कर लें और ये थिक हो जाएगा। लगभग हमारे बनकर ये ओट्स एंड स्प्राउट्स ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो गए हैं। बारी है इन्हें सर्व करने की। इन्हें सर्व कीजिए वॉर्म। ये जो भी मैंने क्वांटिटी बताई है ये वन सर्व है, यानी एक पर्सन के लिए इनफ है। आई होप आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे। हमारी दूसरी जो रेसिपी है वो है हमारे स्प्राउट्स का सैलेड। बहुत ही रिफ्रेशिंग सैलेड है, स्पेशली अगर आप समर्स में इसे बनाएंगे। हमने छोटे छोटे काट के खीरा इसमें लिया है, एक छोटी गाजर कटी हुई ली है। छोटा छोटा काटने से इसका क्रंच आएगा और ये ज़्यादा हमें चबाने में दिक्कत नहीं होगी। टमाटर हमने लिया है एक कटा हुआ, ये लेटस है, लेटस के लीव्स को हमने छोटा छोटा काट लिया है। स्प्रिंग अनियन हमने लिया है। स्प्रिंग अनियन का जो टेस्ट होता है वो अगर आप रॉ खाएं तो सैलेड्स में या मंचूरियन के ऊपर आप जब डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये हैं स्प्राउट्स, इसे अच्छी तरह से हम, और ये ऑलिव्स हैं, 3 से 4 ऑलिव्स, ये ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। रॉक सॉल्ट हमने डाला है, ब्लैक पेपर हमने इसके ऊपर डाले हैं, ये हैं क्यूमिन, कोरिएंडर एंड रेड चिली, सारे ये मसाले रोस्टेड हैं। हल्का हल्का हमने इन्हें रोस्ट कर लिया था और इसे अच्छी तरह से एक मिक्स देंगे। पूरी तरह से जो स्पाइसेस हैं वो हमारे सैलेड के अंदर मिक्स हो जाने चाहिए। अब ये है नींबू का रस, 1.5 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच मैंगो मिंट चटनी। इसकी रेसिपी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, हम पहले शेयर कर चुके हैं आपके साथ। और ये बहुत ही टैंगी फ्लेवर देगा और साथ ही जो मिंट का रिफ्रेशिंग फ्लेवर है वो भी आपको इस सैलेड में मिलेगा। तो हमारा सैलेड बनकर तैयार हो गया है, इसे भी आप इंजॉय कीजिए लंच में या आप डिनर में भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। इसी से आगे बढ़ते हुए एक हेल्दी रोल हम इसी सैलेड से आपको बनाकर दिखाते हैं। उसके लिए हम अपनी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। हमने रोस्टेड सेसमे सीड्स यानी तेल के बीज लिए थे, हमने उसमें लिया है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और सॉल्ट। एक बार फिर इसे घुमा देंगे, बहुत पतला पेस्ट नहीं बनाना है। इसे ताहिनी भी कहते हैं, अगर बात की जाए इस पेस्ट की तो इसे ताहिनी भी कहते हैं। उसका थोड़ा पेस्ट हम अपने सैलेड में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा बचा कर साइड में रख लेंगे। ये एक हमने होल वीट की चपाती ली है, पतला बेल कर इसे बनाया है। आप मल्टीग्रेन चपाती भी ले सकते हैं। उसके ऊपर हमने एक लेयर लगा रहे हैं लेटस की। जो लेटस का एंड का पार्ट होता है वो काफ़ी क्रंची होता है और मुझे अपने रोल में उसे यूज़ करने अच्छा लगता है। वो ताहिनी हमने स्प्रेड लगा दिया है उसके ऊपर, एक हेल्दी स्प्रेड है ये बहुत ज़्यादा। उसमें हम 5 से 6 चम्मच अपना जो स्प्राउट का सैलेड है उसे स्प्रेड करेंगे और इस चपाती को हम रोल कर देंगे। ये ध्यान रखिए कि जब आप इसे रोल करें नीचे से एक फोल्ड लगाकर तब रोल करें ताकि ये नीचे से निकले ना। और अगर आपको बाइंड करने में दिक्कत हो रही है तो एक ट्रिक है कि आप उसमें एक टूथपिक लगा सकते हैं जिससे ये हिलेगा नहीं टोस्ट। अगर आप टिफिन में बच्चों को दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, लेकिन उन्हें बता दीजिए कि इस तरह लगाए कहीं वो इसे खाते टाइम इसे मुंह में ना ले लें। तो ये हमारा
हेल्दी स्प्राउट्स का रोल भी बनकर तैयार हो गया है। आई होप आप इसे भी ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा क्रंच रिफ्रेशिंग फ्लेवर है इसके अंदर। अब एक स्नैक और ब्रेकफास्ट की मिक्स रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है स्प्राउट्स के कटलेट्स या फिर स्प्राउट्स की टिक्की। कई बार मन करता है कुछ थोड़ा सा हट कर खाएं, तो ये रेसिपी वो हट कर वाली रेसिपी है। आधा कप हमने स्प्राउट्स लिए हैं, उसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा कॉर्न एक चम्मच, अगर आपके पास हो अमेरिकन कॉर्न फ्रेश, हमने अनियन डाला है और ये बीन्स की थोड़ी सब्ज़ी मेरे पास थी। आप चाहें तो इसमें किडनी बीन्स यानी राजमा या छोले भी ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेक्स्चर आएगा। थोड़ी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक हमने इसमें ऐड किया है, ये है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, यह है क्यूमिन पाउडर यानी जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये है ब्रेड क्रम्स, ब्राउन ब्रेड क्रम्स हैं, ये बाज़ार में मिल जाते हैं लेकिन हमने इसे घर पे बनाया है। मैंने ब्रेड की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, अगर वो बच जाती है तो मैं उसे क्रम्स बना लेती हूँ। और हमने एक चम्मच मैश्ड पोटैटो, ये बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छे काम आएंगे, हमें छोटे छोटे कटलेट्स इसे तैयार कर लेने हैं और अब इन कटलेट्स को बनाकर हम साइड में रख देंगे। ये जिसे कहते हैं कि पार्टी स्नैक भी आपके लिए बन सकता है, अगर आप अपने गेस्ट को कुछ हेल्दी सर्व करना चाहते हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने एक टेबलस्पून ओट फ्लार लिया है, उसमें सॉल्ट ऐड किया है, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर और अमचूर पाउडर। ये जो मैं ओट्स का आटा दिखाया है, ये सिंपल आप इंस्टेंट ओट को पीस लीजिए, बॉटल में रखिए, वो ओट्स का फ्लावर यानी आटा हो जाएगा। आप उसे मल्टीग्रेन रोटी में डाल सकते हैं या किसी भी तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसे एक सेमी थिन पेस्ट बनाएंगे और फिर एक एक करके अपने जो कटलेट्स हैं उन्हें थोड़ा प्रेस करके इसमें डिप करेंगे और फिर उसके ऊपर एक कोट जो है वो लगाएंगे ब्रेड क्रम्स का और फिर इसे तवे पर इस तरह से लगाकर बहुत ही थोड़े ऑयल के साथ हम इसे सेक लेंगे। हमें इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम इसे अवन में नहीं पका रहे हैं, सिंपल इसको तवे पे हमें इस तरह से पका लेना है। कम ऑयल है इसलिए हेल्दी भी है और साथ ही टेस्टी भी। इसे ब्रेकफास्ट में आप इंजॉय कर सकते हैं, आप इसे एज ए स्नैक सर्व कर सकते हैं या फिर मैं इसके बाद इसकी एक और रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। आप चाहें तो स्वीट पोटैटो इसमें यूज़ कर सकते हैं। पोटैटो जो होता है इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम और काफ़ी हेल्दी होता है अगर मॉडरेशन में खाएं। सिर्फ ज़्यादा खाने से वो नुकसान करता है क्योंकि इट इज़ डेंस इन कैलोरीज, तो आप इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। हमारी अगली रेसिपी है रोटी सैंडविच, हम इसमें ब्रेड को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने रोटी से सैंडविच बनाया है। आप इसके लिए फ्रेश रोटी यूज़ कर सकते हैं या फिर लेफ्ट ओवर रोटी है। इसे हमने हल्का सा ऑयल लगा के सेका था ताकि ये सॉफ्ट हो। एक टोस्टर लीजिए आप, उसमें इसे रखिए, सैंडविच टोस्टर है या फिर आपके पास ब्रेड का टोस्टर है तो उसमें इस तरह से टिक्की और एक टमेटो का स्लाइस रख के उसे हमें पकाना है। हल्का सा ऑयल इस पर ग्रीस किया है ताकि वो जो कुरकुरापन आएगा इसके अंदर, जो क्रस्ट होगा उसका सॉफ्ट क्रस्ट हो, वरना चबाने में दिक्कत होगी। ये हमारे रोटी स्प्राउट सैंडविच भी बनकर तैयार हो गए हैं, बच्चे इसे बहुत इंजॉय करेंगे। आपको भी अगर कुछ डिफरेंट खाने का मन करे तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। आई होप आज की भी सारी रेसिपीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर हमें लिख के बताइए कैसे लगे आपको ये सारी रेसिपीज़। समर्स में या विंटर्स में किसी भी सीज़न में आप इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए और वेट लॉस को अपने ऊपर डिफ़िकल्ट मत बनाइए, इजी बनाइए थ्रू दीज हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए और साथ ही जो बेल आइकॉन है उसके साथ उसे प्रेस करना ना भूलिए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका अपडेट पहुँच जाए। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक यू।